आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 से संबंधित जो थ्योरम है 6.2 का प्रूफ हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बोला जाता है जैसे, ठीक है। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, इसे हम प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट मैंने लिख रखी है, कह रहे हैं इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, ठीक है। ये 6.1 अगर आपको पता है तो उसका ये कन्वर्स है। क्या कहती है, कह रहे हैं सपोज करो किसी ट्राइंगल के दो साइड लिए, आपने ये वाला साइड लिया और ये वाला साइड, इस साइड में एक पॉइंट और ये जो एक पॉइंट है, जैसे सपोज करो इस वाले पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए बी सी, इस डी ए दे दिया, इसे ए दे दिया, ये डी और ई पॉइंट को मिला देते तो एक लाइन बन जाएगी। कह रहे हैं अगर आपको क्या गिवन हो, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, ये थ्योरम अभी फिलहाल क्वेश्चन की तरह वर्क करेगा। हमें गिवन ये बोला गया है कि अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो ए अपॉन ई सी के, ये रेशियो और ये रेशियो आपस में अगर इक्वल हो, तो ये तभी हो सकता है जब ये, अरे भाई, जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन बनी है इस लाइन के पैरेलल होगी, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आगे क्या लिखना है, ये हमें दे रखा है, देन क्या होगा कि ये तभी हो सकता है कि जब डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के, और यही हमें क्या करना है बच्चों, शो करना है, इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है, शो करना है, प्रूफ करना है। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम खुद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम बोलेंगे कि भैया डी पैरेलल हो ना हो, लेकिन हम ये बोलेंगे कि जो डी ई डैश है, ये जो लाइन है डी ई डैश, ये लाइन भैया इसके पैरेलल है, हम ये बोल देंगे कि भैया ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये तो फैक्ट के अकॉर्डिंग है ही है, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं भैया इसके पैरेलल ये नहीं, ये भी है। तो अगर हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, मैं बोल रहा हूँ ना कि ए और ये ए डैश आपने खुद से अज्यूम किया, तो इस वाले पॉइंट को अगर आप यहाँ दिखा देते हो तो आपका जो अजम्पशन है वो गलत हो जाएगा, तो जो फैक्ट है वो सही हो जाएगा। ये एक मेथड होता है प्रूफ करने का, ठीक। तो कुल मिला के टारगेट क्या दिखाना है कि ये जो ई और ई डैश में अलग अलग पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग ना होकर एक ही पॉइंट है, अगर ये आप दिखा देते हो तो आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, मीट मीट नहीं, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, लेट लेट डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ये हमने अपने से मान लिया है, जो कि है नहीं वैसे, ठीक, ये चीज़ हमने अपने से मान ली है ये चीज़। अब देखो, इफ इफ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है, बाई 6.1 थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, अगर देखो बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई डैश अपॉन ई सी के होगा, होगा ही होगा, ठीक है। सो यहाँ लिख देंगे हम आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अगेन अगेन हमारे पास जो फैक्ट है वो क्या है बेटा, ये चीज इसके पैरेलल है, ठीक है, अगेन डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इक्वल दिखाना। सो बाई 6.1 थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा बेटा, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, होगा कि नहीं होगा, तो वही चीज़ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ए डी अपॉन डी बी, डी बी लिखो बी डी लिखो बात एक ही है, वो हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, होगा कि होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा बताइए, बिल्कुल होगा, ठीक है। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया,
ठीक, यहाँ तक सबको आ गया होगा। अब क्या है ना, अब आप देखो ये भी क्या है ए डी अपॉन डी बी, ये भी क्या है ए डी अपॉन डी बी, तो इसकी कंपैरिजन हम इससे कर देंगे। ठीक है, सब थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमें, इरेज करना पड़ेगा, तो थोड़ा इरेज करते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, पहले और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम ए अपॉन ई सी जो हो जाएगा वो बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ ऐड करेंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम वन वन ऐड करेंगे। भाई इसके पास 2 रुपये, इसके पास 2 रुपये, अगर मैं इसके भी 1 रुपये दे रहा हूँ और इसके भी 1 रुपये दे रहा हूँ, दोनों के पास 3 3 रुपये, सेम इक्वल का मेंटेनेंस हो जाएगा, कोई नाराज़ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं दोनों को 1 1 रुपये दे दूंगा, 1 1 जोड़ दूंगा दोनों तरफ, ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, ए ई डैश ई डैश सी प्लस वन। अब देखो बेटा इसके अपन में कुछ नहीं तो वन है, इसके अपन में कुछ नहीं तो वन, एल सी एम यहाँ से क्या आ जाएगा ई सी, और यहाँ से आ जाएगा ई डैश सी। देखो यहाँ से तो ए ई और ई डैश सी बन जाए ई डैश सी, यहाँ से ए ई डैश ई डैश सी बन जाए ई डैश सी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इससे मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, ए ई प्लस ई डैश सी कहाँ है, ये ए ई प्लस ई डैश सी, ये किसके इक्वल है बेटा, ए सी के। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी, नीचे क्या है ई सी, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ ए ई डैश प्लस ए डैश सी, ये भी किसके इक्वल है, ए सी के, तो यहाँ पे भी आ गया ए सी, नीचे क्या है ई डैश सी। ठीक है, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा ना, करते हैं इरेज। ठीक है, सो यहाँ ये आ गई ऊपर ए सी से ए सी कैंसिल, वन वन जा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ई सी किसके इक्वल आ जाएगा, ई डैश सी। ठीक है, ई डैश किसके आ गया, ई सी के इक्वल आ गया। अब ये जो डिस्टेंस है ए ई डैश और ई सी, देखो ये बोल रहा है ना ई सी, देखो ई सी और ई डैश सी ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ये बोला जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। भैया ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दिखने में तो अलग अलग लग रही है, तो छोटा एक बड़ा लग रहा है, तो ये इक्वल कैसे हो सकता है। इक्वल तभी हो सकता है जब ये पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ हो, ये दो अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे, वो सिंगल एक ही पॉइंट है, तभी जाके इक्वल हो सकते हैं। हेंस इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई इक्वल टू ई डैश, देयरफॉर आवर अजम्पशन जो हमने माना था, अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हैंस डी ई पैरेलल टू बी सी, कि भैया हमने अजम्पशन क्या कर दिया कि भैया ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है, ये हमने बोल दिया था, तो जो कि गलत हो गया, यानी कि ये जो फैक्ट है वो सही होगा कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के, यही हमें प्रूव करना था, आराम से हो गया। तो प्लीज़ एक बार पहले देखिए, दोबारा लिखते हुए देखिएगा, आराम से आ जाएगा, और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए एग्ज़ाम में आता ही आता है। आपको कौन सी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताएं, डिस्क्रिप्शन वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी जो भी हो, और कैसी वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताएं, वैसी वीडियो ज़रूर आती रहेंगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।